हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 279। एवोल्यूशन चैप्टर में से एक छोटा सा टॉपिक है कनेक्टिंग लिंक्स। देखो क्या होता है कनेक्टिंग लिंक्स, ऐसे लिंक्स जो कनेक्ट करते हैं। कैसे, मैं आपको शो करता हूं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पास दो अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, वो कहलाते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। इसी तरह का आपने एक और वर्ड भी सुना होगा, मिसिंग लिंक्स। देखो मिसिंग लिंक्स भी कुछ ऐसा ही रहता है कि एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप के कैरेक्टर्स शो करते हैं। बट मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक में जो फर्क है वो ये है कि कनेक्टिंग लिंक्स जो है वो आज के टाइम पे भी आपको मिलेंगे। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं इस प्लेनेट पे, जबकि मिसिंग लिंक्स सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो दो अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स रखते हैं और एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो है मिसिंग लिंक्स। और जो एक्सटिंक्ट नहीं हुए आज भी सर्वाइव कर रहे हैं वो है कनेक्टिंग लिंक्स। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट कनेक्टिंग लिंक्स। सो दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच पजेस कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक्स। I'll show you some examples. सबसे पहले हम बात करते हैं यूग्लिना की। See, we all know about यूग्लिना. यूग्लिना is a protist. Protista kingdom में आता है ये, and it is a connecting link between plants and animals. कैसे? देखो, यूग्लिना की अगर मैं बात करूँ, तो यूग्लिना के पास कुछ plants से resemble करते हुए characters हैं, जैसे कि यूग्लिना में present होता है chloroplast. यूग्लिना has got chloroplast, और जब इसको sunlight मिलता है easily, तो ये photosynthesize भी करता है। और अगर सनलाइट नहीं मिलता तो ये हेटरोट्रॉफिक हो जाता है। इफ सनलाइट इज अवेलेबल इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, तो ये इसका प्लांट वाला करेक्टर। और अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं होती तो ये हेटरोट्रॉफिक हो जाता है, यानी एनिमल वाला करेक्टर। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स के जो करेक्टर्स इसके पास है वो है ये पहला कि ये सब सनलाइट नहीं होता तो हेटरोट्रॉफिक हो जाता है। उसके अलावा इसके पास में माउथ प्रेजेंट है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है। नाउ वी ऑल नो प्रेजेंस ऑफ माउथ एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल्स। अभी कैसा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में आपने पढ़ा रहेगा कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये एनिमल्स में करेक्टर होता है एंड इट परफॉर्म्स बाइनरी फिजन ऑल्सो। ठीक है, तो ये कुछ इसके एनिमल्स के करेक्टर्स है। तो कनेक्टिंग लिंक्स बेसिकली एस्टेब्लिश करते हैं कंटिन्यूटी। मतलब कंटिन्यूटी कुछ ऐसा समझ लो कि आप ऐसा समझो कि एक ग्रुप है, इस ग्रुप ए से ग्रुप सी इवॉल्व हुआ। अब ऐसा नहीं है कि ग्रुप ए से डायरेक्टली ग्रुप सी इवॉल्व हो जाएगा, धीरे धीरे जो है कैरेक्टर्स इवॉल्व होंगे। तो इनके बीच में एक लिंक जरूर होगा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो शो करता है कि किस तरह से एवोल्यूशन इस ए से बी की तरफ हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इसके भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है और सी के कैरेक्टर बी के कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट है। तो इट शोज हाउ ग्रेजुअली द एवोल्यूशन इज अकरिंग। तो कनेक्टिंग लिंक्स एस्टेब्लिश कंटिन्यूटी बाय प्रूविंग दैट वन ग्रुप हैज इवॉल्व फ्रॉम द अदर, जैसा ग्रुप ए ग्रुप बी। अब मैं बात करता हूं कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो सी को बिलोंग करते हैं। नाउ दिस सी हैज कैरेक्टर्स ऑफ ए एज वेल एज बी। तो ये शो करता है कि किस तरह से ग्रेजुअली ए से बी का एवोल्यूशन हुआ विद सम कनेक्टिंग लिंक्स। सेकंड अगर एग्जांपल की बात करें तो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ पेरिपेटस। पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। कि किस तरह से एनेलिड्स से आर्थ्रोपोड्स का एवोल्यूशन हुआ, तो उसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है पेरिपेटस। नाउ पेरिपेटस में जो एनेलिडा के कैरेक्टर्स हैं उसमें सबसे पहला है इट हैज गॉट अ वॉर्म लाइक बॉडी। एनेलिड्स में वॉर्म जैसा बॉडी रहता है, अनजॉइंटेड लेग्स, जबकि आर्थ्रोपोड्स में अगर हम बात करें तो लेग्स में जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट पेरिपेटस में लेग्स में जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं है। उसके अलावा नेफ्रिडिया, यस नेफ्रिडिया इज अ फीचर ऑफ एनेलिड्स। आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टर्स की बात करें तो इनमें क्लॉज प्रेजेंट है, क्लॉज के अलावा जॉस प्रेजेंट है, बिल्कुल आर्थ्रोपोड्स एनेलिड्स में जॉस नहीं होते। ट्रैकी, ट्रैकी इज फॉर रेस्पिरेशन, जो कि आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंस ऑफ अ कैविटी इन द बॉडी जिसमें ब्लड भरा होता है कॉल्ड एज हीमोसील। एनेलिड्स में आपने पढ़ा रहेगा कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, आर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी जो ब्लड है वो एक कैविटी में फिल्ड अप होता है। तो पेरिपेटस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जो आर्थ्रोपोड्स का करेक्टर है, और प्रेजेंस ऑफ अ डोर्सल टिबुलर हार्ट, अनदर करेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोड्स। दी अदर एग्जाम्पल इज प्रोटोप्टेरस, यानी कि लंग फिश। ये लंग फिश का पिक्चर है, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबियंस। सी वी ऑल नो कि फिशेस से ही एम्फीबियंस का एवोल्यूशन हुआ है, तो फिशेस से
पहले इवॉल्व हुई लंग फिश और लंग फिश से इवॉल्व हुए एम्फीबियंस। नाउ अगर इनके फिश वाले कैरेक्टर्स की बात करें तो इनके पास में पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है। फिन्स जो है एम्फीबियंस में नहीं होते बट फिश में प्रेजेंट होते हैं। इसकी बॉडी के ऊपर डर्मल स्केल्स प्रेजेंट है, ये देखो आप यहाँ पर, ये फिश लाइक स्केल्स जो है इसके ऊपर प्रेजेंट है, और प्रेजेंस ऑफ गिल्स, यस गिल्स प्रेजेंट है प्रोटोप्टेरस में जो कि फिशेस में प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियन के कैरेक्टर्स की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ इंटरनल लेयर्स, उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ लंग्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लंग फिश, अ लंग फिश, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ थ्री चैम्बर्ड हार्ट, वी ऑल नो फिशेस के अंदर जो है टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन प्रोटोप्टेरस के अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग लेइंग मैमल्स के। सी वी ऑल नो कि मैमल्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, सबसे पहले प्रोटोथीरियंस, देन मेटाथीरियंस एंड देन यूथीरियंस। नाउ वी बिलोंग टू द यूथीरियन कैटेगरी, दीज टू पिक्चर्स बिलोंग टू द प्रोटोथीरियन कैटेगरीज, एंड प्रोटोथीरियन मैमल्स आर एग लेइंग मैमल्स, जबकि मेटाथीरियंस और यूथीरियंस एग ले नहीं करते। तो दीज एग लेइंग मैमल्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। सी रेप्टाइल्स एग ले करते हैं, मैमल्स एग ले नहीं करते, तो रेप्टाइल्स से प्रोटोथीरियंस इवॉल्व हुए और फिर प्रोटोथीरियंस से टू मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ। एंड द बेस्ट टू एग्जांपल्स ऑफ दीज प्रोटोथीरियंस आर प्लैटिपस एंड इकिडना, ठीक है, इकिडना इज स्पाइनी एंटीटर। नाउ इनमें रेप्टाइल्स वाले कैरेक्टर्स की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज एग्स, ठीक है, उसके अलावा एग्स में योक का प्रेजेंस। मैमल्स, मैमल्स प्लेसेंटा वाले एनिमल्स हो गए, तो बिकॉज हमें प्लेसेंटा प्रेजेंट है तो अपने में योग का एज सच कोई फंक्शन नहीं रहा, बट इनके एग्स में अच्छा खासा योग प्रेजेंट होता है। एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोएका, क्लोएका इनकी बॉडी का एक चैम्बर है, ठीक है, तो वो इन सब में प्रेजेंट है, जबकि क्लोएका मैमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। मैमल्स के कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ हेयर। मैमल्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी पे हेयर प्रेजेंट है। उसके अलावा अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिससे ही मैमल्स का नाम मैमल्स रखा गया, द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स जो कि प्रोटोथीरियंस में होती है। और उसके अलावा डायफ्राम, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। रिमेंबर दिस, डायफ्राम इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन मैमल्स, इवन मेमोरी ग्लैंड्स एंड हेयर आर प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, एंड मेमोरी ग्लैंड इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। नेक्स्ट बात करते हैं नियोपाइलिना, और पिक्चर देख के आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये मॉलस्क्स टाइप ऑर्गेनिजम्स हैं। ये कनेक्टिंग लिंक है एनालिड्स और मॉलस्क के बीच में। एनालिड्स से पहले नियोपाइलिना जैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए और उनसे इवोल्यूशन हुआ मॉलस्क्स का। दिस इज अ पिक्चर ऑफ बेलेनोग्लॉसस, एंड बेलेनोग्लॉसस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, इसलिए आप उनको हेमिकॉर्डेट्स कहते हो। बेलेनोग्लॉसस आर हेमिकॉर्डेट्स, कि किस तरह से नॉन कॉर्डेट ऑर्गेनिजम्स से कॉर्डेट ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हुआ, तो कनेक्टिंग लिंक है बेलेनोग्लॉसस। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कॉल्ड एज काइमरा और रैबिट फिश। दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजनस फिश दैट इज कॉन्ड्रिक्थियस एंड बोनी फिश ऑस्टिक्थियस। तो कॉन्ड्रिक्थियस फिशेस से ऑस्टिक्थियस फिशेस का एवोल्यूशन इज वाया काइमरा। नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिंग लिंक दैट इज वायरस। सी रिसेंटली वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ पेंडेमिक कॉल्ड एज कोविड, दैट्स बिकॉज ऑफ अ वायरस। दैट वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सी वायरस अपने होस्ट सेल के बाहर एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, और जैसे ही वो अपने होस्ट सेल में एंटर करता है वो एक लिविंग स्ट्रक्चर की तरह काम करने लगता है, तो दैट्स वाई वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्फिनोडॉन। स्फिनोडॉन इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। सी वी ऑल नो कि एवोल्यूशन कैसे हुआ था, फिशेस, फिशेस से इवॉल्व हुए एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स से ही बाद में इवॉल्व हुए हैं एव्स यानी बर्ड्स और मैमल्स, या ब्रांचिंग हो गई थी। तो स्फिनोडॉन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है, इसके पास दोनों के कैरेक्टर्स हैं एम्फीबियंस के भी और रेप्टाइल्स के भी। एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कॉल्ड एज सिलोकेंट। सिलोकेंट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस, और रिसेंटली ये बहुत ज्यादा न्यूज में है बिकॉज रिसेंटली एक सिलोकेंट जो है कैप्चर हुआ है। हम मानते थे कि एक्सटिंक्ट हो चुका है बट सिलोकेंट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फिशेस और एम्फीबियंस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो
सभी कनेक्टिंग लिंक्स अगर एक स्लाइड में मैं आपको बताऊं जो एग्जांपल्स हैं बेसिक, मतलब आप अगर केवल इस स्लाइड का भी एक स्क्रीनशॉट ले लोगे तो सारे एग्जांपल्स केवल इसी में आ जाएंगे. दी फर्स्ट इज यूग्लिना, देन अ वायरस, देन दिस इज स्पाइनी एंट ईटर दैट इज इकिडना, देन प्लेटिपस. ये प्लेटिपस और स्पाइनी एंट ईटर दोनों जो है प्रोटोथीरियंस है. देन दिस इज बेलेनोग्लॉसस अ हेमिकॉर्डेट, देन पेरिपेटस, देन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सीलोकेंट, नियोपाइलिना, दिस इज काइमेरा, रैबिट फिश, लंग फिश, दिस इज लंग फिश, एंड अल्टीमेटली स्फिनोडॉन. ये सभी जो है कनेक्टिंग लिंक्स के एग्जाम्पल्स है जो हमें नीट के लिए याद रखने हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस. स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज.